नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले भाग में वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। आज वर्णों से मेल से जो शब्द बनते हैं, आइए उनके बारे में जानें। यहाँ पे बहुत सारे वर्ण दिए गए हैं। ग जमा ई जमा ल जमा अ जमा श जमा आ। यहाँ क्या शब्द बन रहा है? गिलास। गिलास जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? एक अर्थ आता है उसका। एक बर्तन है जिसका कि जिसके अंदर हम पानी डाल के पीते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है। ख जमा अ जमा र जमा अ जमा ग जमा ओ जमा श जमा अ। तो यहाँ पे क्या शब्द बन रहा है? खरगोश। एक पशु या एक जंतु जो कि कैसा है, जो बहुत कोमल है और जो बहुत तेज दौड़ता है, उसका चित्र हमारे सामने बनता है। तो ये क्या है? ये जिसका अर्थ निकलता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है बच्चे? सार्थक हो जाती है। यहाँ उसी के नीचे बहुत सारे वर्णों के मेल से एक शब्द और बन रहा है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। श जमा अ जमा ल जमा अ जमा ग जमा ई। ये क्या बन रहा है? सलाघी। सलाघी, ऐसा तो कोई, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा और कोई चित्र हमारे सामने कुछ उभर के नहीं आ रहा है कि हम सलाघी नाम की कोई चीज़ जानते भी हैं। तो ये क्या है? ये निरर्थक है। जैसे दूसरा उदाहरण, श जमा अ जमा ग जमा ओ जमा र जमा अ जमा ख जमा अ। ये क्या बन गया? सगोरख। इसका भी कोई अर्थ नहीं आ रहा है। तो ये जो है, ये चीज़ क्या है? ये निरर्थक है। और ये शब्द क्या है? ये सार्थक है और ये निरर्थक है। ऐसे ही वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि वर्ण के मेल से व्यवस्थित मतलब सही जगह पे जो लिखा जाता है जो वर्ण, और सार्थक समूह यानी कि जिसका कोई अर्थ होता है उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए बच्चों अब जाने शब्द के भेद। शब्द के भेद हिंदी भाषा के सभी सार्थक शब्दों को तीन आधार पर बांटा गया है। यानी कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अभी हम पहला पढ़ेंगे स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में या चार प्रकार के होते हैं, यानी चार भागों में से बांटा गया है। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो पहला प्रकार है वह है तत्सम। तत्सम जो संस्कृत शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, पृथ्वी, सर्प, प्रथम, सूर्य, वायु आदि। यानी कि तत्सम का अर्थ है संस्कृत के शब्द जो कि हिंदी में जैसे कि तैसे लिए गए हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा है तद्भव, जो शब्द संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव के बाद बने हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूरज का सूर्य, सांप जो सर्प से बना है, पहला जो प्रथम से बना है, और घी जो घृत से बना है, पांच जो पंच से बना है, घोड़ा घोतक से बना है, दांत दंत से बना है, कान कर्ण से बना है, हाथ हस्त से बना है आदि। यानी कि तत्भव में कौन से आ जाते हैं? जिनको हम संस्कृत से हिंदी में बदलने के बाद लिखे गए हैं। जैसे हम संस्कृत में सूर्य बोलते हैं परंतु हिंदी में उसका अर्थ क्या हो जाता है? सूरज। दूसरा, संस्कृत में हम बोलते हैं प्रथम परंतु हिंदी में हम बोलते हैं पहला स्थान। जैसे घृत संस्कृत शब्द है और उसका हिंदी शब्द क्या है? घी। वैसे ही पांच जो कि हिंदी शब्द है उसका संस्कृत क्या है? पंच। ऐसे ही आगे का भाग है देशज। देशज शब्द यानी कि आपको नाम से ही पता चलता है, देशज, देश जमा ज, जय का अर्थ होता है जन्म, यानी कि देश में जन्म लेने वाला, मतलब देश में ही जन्मे या उत्पन्न हुए। ये वो शब्द हैं जिनका संस्कृत या अन्य भाषाओं से कोई संबंध नहीं है, ये देश की ही प्रचलित बोलियों और भाषाओं से बने हैं।
यानी कि देशज शब्द किसी प्रसिद्ध भाषाओं से ना लेकर इन्हें भारत देश की ही बोलियों और भाषाओं के जो प्रसिद्ध शब्द हैं वहाँ से लिए गए हैं, जैसे पेट, कलाई, खिड़की, पगड़ी, गाड़ी, जूता, पैसा, रोटी आदि, ये इसके उदाहरण हैं। विदेशी, विदेशी का अर्थ होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, विदेशी यानी कि दूसरे देश की। विदेशी या विदेशज वे शब्द हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, इन्हें अगात शब्द भी कहते हैं। बच्चे, हमने पिछले भाग में अगात वर्णों के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही कुछ शब्द हिंदी में अगात शब्द भी हैं जो कि हमने जो के त्यों उस भाषा के ले लिए हैं, जैसे अमीर, रेडियो, स्कूल, स्टेशन, टेलीविज़न, बंदूक, रुमाल, तौलिया, दुनिया आदि। ये शब्द क्या है? ये विदेशी शब्द हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? रचना और बनावट के आधार पर। रूढ़, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके यदि टुकड़े करें और उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं होता। रूढ़ शब्दों का को मूल शब्द भी कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, जो रूढ़ शब्द हैं उन्हीं को ही मूल शब्द कहते हैं, जैसे कवि, जैसे घर, दूध, पशु, दीप, होश, मस्त आदि कुछ रूढ़ शब्द हैं। बच्चों, मैं यहाँ आपको रूढ़ को समझाना चाहूँगी। रूढ़, जैसे हमने लिया कवि, कवि दो वर्णों के मेल से बना है। कवि में हम क अलग कर देते हैं, वी अलग कर देते हैं, इन दोनों को अलग करने पे इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो यह रूढ़ है और यही क्या है, ये मूल शब्द हैं। आगे है जैसे घर, घर जो है अलग अलग करने पे इनका भी कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ये वर्ण बन जाते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे है यौगिक, यौगिक जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना है। यौगिक यानी कि योग, यानी कि जमा, जो दो शब्दों के जोड़ से बना है, यानी कि जोड़ या फिर जमा बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ, पाठ हम पढ़ते हैं, जमा शाला, जहाँ शाला यानी कि एक स्थान जहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो उन दोनों के मेल से बना पाठशाला, जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है। चिड़िया जमा घर, चिड़िया अलग एक पक्षी का नाम है, घर जहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे चिड़िया घर यानी कि जहाँ चिड़ियाएँ रहती हैं। सब्जी वाला, सब्जी अलग चीज़ है और वाला अलग चीज़ है, यानी कि जो सब्जी बेचता है वह इंसान। आगे है देव दूत, देव भगवान, दूत जो कि संदेश पहुंचाने, और जो भगवान का संदेश पहुंचाता है उसे क्या बोलते हैं? देव दूत। आगे है योग रूप, ये ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्दों की तरह है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, पर इनका कोई विशेष अर्थ होता है, जैसे हीम, जैसे आल्य। हीम का क्या अर्थ होता है बच्चे? बर्फ। और आल्य का क्या अर्थ होता है? घर। ये तो होना तो ये चाहिए कि हीम का अर्थ है बर्फ और आल्य का घर, यानी कि बर्फ का घर, परंतु अगर हम पूरा शब्द को पढ़ते हैं हिमालय, तो यह एक पर्वत का नाम है, विशेष पर्वत का नाम है जो कि विश्व में अपनी लंबाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिमालय का अर्थ बर्फ का घर ना होकर विशेष पर्वत का नाम है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देख लेंगे। जलज यानी कि जल में जन्मा, परंतु जलज हम किसको बोलते हैं? हम कमल के फूल को जलज बोलते हैं। मुरलीधर, मुरलीधर यानी कि जिसके होठों पे मुरली रहती है, परंतु इसका विशेष अर्थ क्या आता है? कृष्ण भगवान। जलत दसानन यानी कि जिसके दस मुंह हो
आगे है नीलकंठ, यानी कि नीला कंठ है जिसका, यहाँ पे मोर भी आ जाता है, यहाँ पे शिव भगवान को भी हम लोग नीलकंठ बोलते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर यानी कि जो पीले वस्त्र पहनता है, कोई भी हो सकता है, परंतु यहाँ विशेष अर्थ किसके लिए आता है, विष्णु भगवान के लिए। लंबोदर यानी कि गणेश भगवान के लिए। यही योग रूढ़ शब्दों के लिए अन्य उदाहरण हैं। ये शब्द क्या है, ये योग रूढ़ के उदाहरण है, किसी विशेष तीसरे विशेष को महत्व देते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी अविकारी। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग के कारण बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। बच्चे, जिनका अर्थ प्रयोग के आधार पर बदलता रहता है, किस किन प्रयोग के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल या कारक के आधार पर आदि के अनुसार उनका रूप बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखना चाहेंगे, संज्ञा शब्द लड़का, लड़का का लड़के हो जाता है, लड़की भी हो सकता है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर लड़के भी हो सकता है, और बहुवचन के आधार पर लड़कों भी हो सकता है। सर्वनाम, सर्वनाम में वह शब्द है, वे हो जाता है, उसने उसे हो जाता है, उनके उन्हें हो जाता है, उन्होंने भी हो सकता है। विशेषण शब्द यानी कि गोरा है, अगर लिंग बदलेंगे गोरी हो जाएंगी, और वचन में बदलेंगे तो गोरे हो जाएंगे। यहाँ पे दिया भी है, गोरा लड़का, गोरे लड़के। क्रिया यानी कि क्रिया के आधार पर कैसे बदल जाता है, जाता है, और अगर लड़की हुई तो जाती है, और बहुत सारे लोग हुए तो जाते हैं। गया, गए यानी कि एक लड़का है तो गया, और बहुत सारे लड़के हैं तो गए, जाएगा या जाएंगे, ये क्या है, वचन के हिसाब से बदलते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों को कभी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी में परिवर्तन होता है बच्चों, लिंग, वचन और काल के अनुसार, परंतु अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, और, परंतु, अरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, किंतु, जैसा, तैसा। जैसे लड़की के लिए बोलते हैं धीरे धीरे चलो, वही लड़के के लिए बोलते हैं धीरे धीरे चलो। जैसे यहाँ आओ लड़के के लिए भी है, यहाँ आओ लड़के के लिए भी है, तो ये इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ये बेटा इनके जो है क्या है, उदाहरण है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि, ये चार प्रकार अविकारी शब्द होते हैं, ये अविकारी के प्रकार हैं। आइए कुछ और भी जाने, जिन शब्दों में न, श, श्र और ज्ञ आते हैं, हमने ये पिछले में पढ़ा था, ये संयुक्त व्यंजन है, श्र, श्र और ज्ञ, ये सभी क्या है, ये सभी क्या होते हैं, इनमें ज़्यादातर तत्सम शब्द होते हैं बच्चे। ण, श्र, श्र, ज्ञ, ये जो शब्द आते हैं इनमें क्या होते हैं, ये तत्सम होते हैं। तो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से बना बना एक शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। बच्चे, जैसे हम पढ़ते हैं वर्ष, क्या होता है, संस्कृत शब्द है। देखिए ऊपर हमने बताया, पढ़ा था, श, जो क्या होता है, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इनसे संस्कृत शब्द होते हैं, तो यहाँ पे श आया है तो संस्कृत शब्द होगा। गांठ, गांठ क्या है, हिंदी शब्द है, ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बना है, और इसका क्या अर्थ निकलता है, वर्ष गांठ। जैसे रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो ये क्या होगा, रेल गाड़ी। और आपको बताया जाए, अगर पूरी हिंदी में जो रेलगाड़ी को है वो लोह पथ दामनी कहा जाता है। बच्चों, अब ध्वनि बोधक शब्दों के बारे में भी जाने। यह शब्द ना तो सार्थक होते हैं ना ही निरर्थक। यह सार्थक और निरर्थक शब्दों के अतिरिक्त कुछ ध्वनि बोधक यानी कि आवाज
शब्द भी होते हैं जो कि पशु पक्षियों या कुछ जड़ बेजान पदार्थों की आवाज़ बताते हैं। जैसे ये कुछ आवाज़ें होती हैं जिनसे हम पहचान जाते हैं, जैसे आपने घड़ी की आवाज़, आपने थोड़ा सा टिक टिक सुना तो आप समझ जाते हैं कि घड़ी है, यानी कि आप कभी बादल की गड़गड़ की आवाज़ समझ जाते हैं तो आपको लग जाता है कि बादल गरज रहे हैं और बारिश होने वाली है। जैसे मेंढक की टरटर, तोते की टेंटे, चिड़िया की चींची, घंटे की टनटन, बादल की गड़गड़, घड़ी की टिक टिक, और आप बहुत सारे जैसे दरवाजे का चर चर की आवाज़ होती है और हवा की साई साई की आवाज़ होती है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चे जो कि हमारे ध्वनि बोधक शब्दों के उदाहरण हैं। आइए यह भी जानें, किसी भाषा के प्रयोग हो रहे या हो सकने वाले शब्दों को समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। बच्चे हमने डिक्शनरी शब्द अंग्रेजी में सुना है, उसके अंदर डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है। ऐसे ही शब्द भंडार यानी कि उस भाषा के शब्द कुछ प्रयोग में हैं और कुछ आने वाले हैं या कुछ प्रयोग होके जा चुके हैं, उनको उन्हें लिखा जाता है, उसे ही हम शब्द भंडार कहते हैं। धन्यवाद छात्रों।